मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। हम पिछले 12 दिनों से यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं। आज के समय के अंदर सबसे पीड़ित युवा ही है। हम रीट 11 के छात्र हैं, जो कि बहुत बार बार के सभी लगभग राजस्थान के सभी जिलों से यहाँ पर बेरोजगार युवा हमारे जो साथी है सब यहाँ पर भारी संख्या में बैठे हुए हैं। हमको यहाँ पर रीट 11 के लिए जो हमारी भर्ती थी उस पर स्टे लगने के कारण यहाँ पर भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको स्कूल की प्रक्रिया तक अलॉटमेंट हो चुका है, हमारा 98% काम हो चुका है, बस 2% काम रुका हुआ है। हमारे ज्वाइनिंग मिलने ही वाली थी कि गवर्नमेंट की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है और इसके बाद आचार संहिता लग गई है, इस कारण से हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। सर, रीड प्रथम लेवल शिक्षक के हम शिक्षिकाएँ हैं और सर हम 10-12 दिनों यहाँ पे बैठे हैं। सर, हमारे 15,000 से ज़्यादा बच्चों को नियुक्ति दे चुके हैं और हमें स्कूल आवंटित हो चुका है, लेकिन अभी तक ना हमें नियुक्ति आदेश है ना हमें पूछा जा रहा है। हमारे कोर्ट तारीख पे तारीख मिली जा रही है और इतने दिन हुए सर बैठे हैं, ना कोई कुछ पैर भी करवा रहे। सर, नागौर से आए हैं। सर, यही है, धूप है, लगती है, हमको बैठे रहते हैं और रोज़ सर सचिवालय हो गए या सर कहीं विधानसभा में कहीं होगा, सब जगह हम जाना पड़ रहा है। सरकार से वार्ता कुछ भी नहीं हुई। सरकार के से बात के लिए हम ओटीएस कैंपस में जाते हैं तो उनके पीए मिलते हैं, वो हमारा ज्ञापन वगैरह लेके रख लेते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं, ना कोई ऐसा कोई प्रेस नोट। शिक्षा निदेशालय का जो प्रेस नोट था 19,417 कैंडिडेट्स को जो नियुक्ति मिल चुकी है उस भी आप पे यही चल रहा है कि अगर हमें नियुक्ति मिल चुकी है तो हमें धरने देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें धरना देने की क्या ज़रूरत है। और जो बाकी के बचे हुए थे 3,931 पद, वो उनमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे धरना देने की हमें नौबत ही नहीं आनी चाहिए। एजी से पैरवी के लिए हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, अभी तक कोई हमें सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल रहा है कि एजी हमारी पैरवी मजबूती से करेंगे नहीं करेंगे, एजी भी जाएंगे नहीं जाएंगे हमारी 13 तारीख को जो हियरिंग है उसमें। तो हम बस चारों तरफ से हताश होके जाते तो हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से हताश होके हमें लौटना पड़ रहा है। हमारी भजनलाल सरकार से भी गुजारिश है, प्लीज़ हमारी बात को सुनो, क्योंकि फिर से आचार संहिता आने वाली है। अगर शिक्षकों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे तो शिक्षक बनने का कोई वो नहीं रहेगा उद्देश्य। जो शिक्षक जाएगा स्कूल में तो वो क्या ही पढ़ा पाएगा, ऐसी सिचुएशन से जाके वो यही सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करके आया हूँ और फिर बाद में वहाँ पे स्कूल में जाते जाते वो डिमोटिवेट हो ही जाता है। मैं स्पेशल का कैंडिडेट हूँ, स्पेशल वालों को पोस्ट निकलवाने के लिए भी धरना देना पड़ा, फिर रिजल्ट के लिए हमने ट्विटर ट्रेंड चलाया और अब नियुक्ति के लिए भी हमें यहाँ पे धरना देने की नौबत आ रही है। 12 दिन हो चुके हैं, संसाधनों की कमी से भी पूरा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार हम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे को कोई संज्ञान में ले ही नहीं रहा है। सर, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना स्कूल में जाके, हमारा काम ये धरना देना वो नहीं है और हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। पहली बात तो जिस काम के लिए हमको चुना गया या हम जिस लिए चयनित वो काम हमें दिया जाए, अब सरकार इसके ऊपर विचार करे। अब सरकार चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि NEP 2020 को लागू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब जो टीचर ही नहीं है स्कूलों में तो कहाँ से लागू करो, कहाँ से वो चीज़ मतलब कि प्रॉपर तरीके से चलेगी। और हम जो PS लेवल के प्राइमरी में अगर आप नींव को उस हिसाब से मजबूत नहीं बनाओगे तो फिर आगे जाकर कैसे आपके जो सपने हैं विकसित भारत कैसे पूरे होंगे। इसलिए हमारा यही कहना है सर कि जल्दी जल्दी हमको नियुक्ति दी जाए और हमारे स्कूलें हमें जो अलर्ट हुई वहाँ पर हमको ज्वाइनिंग दी जाए।